गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, एज फ्रॉम यस्टरडे वी डिस्कस इन जूम क्लास अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो देयर आर नाउ सम प्रॉब्लम्स ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वी डिस्कस इन टुडे सेशन. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव 500 ml ऑफ इट. यानी कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा हुआ है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको मास इज गिवन. हाउ मच अमाउंट मोल्स कितने गिवन हैं वो हमें फाइंड करने हैं. देन हमें वॉल्यूम दे रखा है, हमें डायरेक्टली क्या निकालना है, मोलैरिटी. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? दैट इज एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. दिस इज योर सिंपल फॉर्मूला. फाइन, एंड नंबर ऑफ मोल्स आर, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. फाइन, सो एंड सो नाउ दिस फॉर्मूला इज रिटन लाइक दिस, डब्ल्यू अपॉन एम नॉट इन टू वी. अब आपको वॉल्यूम किस में दे रखा हुआ है, वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर्स. सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट वॉल्यूम इन टू लीटर्स. तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए जब आप वॉल्यूम को क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, इट बिकम मल्टीप्लाई लाइक दिस. सो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी एज यू ऑलरेडी डिस्कस इन अवर जूम क्लास. फाइन, सो नाउ वी कैन यूज द गिवन टर्म्स. फर्स्ट इज मास ऑफ NaOH, कितना मास गिवन है यहाँ पे आपको, 4 ग्राम. ठीक, आपका मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास यानी कि ग्राम पर मोल्स में होगा. ठीक, एंड देन सो नाउ दिस इज योर मास, दिस इज योर मोलर मास. यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज W अपॉन एम नॉट. तो W कितना आपका, 4 ग्राम्स. मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कट गया, 1/10, और ये आ जाएगा आपका 0.1 मोल. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टिल दिस. देन वॉल्यूम, अब मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम आपका किस में दे रखा है, मिलीलीटर्स में. तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में. तो क्या करेंगे हम, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इट बिकम 0.5 लीटर्स. तो अब आपके मोल्स भी आ गए, आपका वॉल्यूम भी आ गया, तो डायरेक्टली आप m इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4. तो ये हो गए आपके मोल्स और ये हो गए आपका लीटर. तो जब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये हो जाएगा 0.2 मोल्स पर लीटर. फाइन, सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सॉल्यूशन. अगर आप एग्ज़ाम के अंदर, जब भी आपके अगर रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं इन स्कूल्स, इन केस इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व, तो आप कम से कम उसका अगर फॉर्मूला भी लिख देंगे, देन यू ऑल्सो गेट द एटलीस्ट हाफ मार्क्स फॉर दैट. फाइन, सो नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल का क्या वॉल्यूम है, डेंसिटी हमें यहाँ पे गिवन है. फाइन, एंड अब यहाँ पे आपको, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, डेंसिटी इज गिवन टू यू टू प्रिपेयर 100 cc. सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर. यहाँ आपको मोलैरिटी भी गिवन है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले अगेन मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स
molarity means mass of ethyl alcohol. Just wait. Yes. So our question is volume of ethyl alcohol. हमें क्या find करना है? Volume. So what we have to find, that is volume. आपको यहाँ पे density given है. हम जो चीज़ें given है हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1.15 gram per cc. ठीक है. और that has to be added to prepare 100 cc. अब यहाँ पे आपको molarity भी given है 0.5. अब डेंसिटी आपको डेंसिटी और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द एल्कोहल दैट हैज़ टू बी एडेड टू प्रिपेयर 100 सीसी, यानी कि हमें वो वॉल्यूम जो हम इसमें ऐड करें ताकि वो 100 सीसी फॉर्म हो. ठीक है. तो मोलैरिटी का अगेन फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन डब्ल्यू. यहाँ पे हम मास को W में डिफाइन करेंगे. W डिवाइडेड बाय M नॉट इनटू वॉल्यूम. ठीक. अब यहाँ पे आपको मास इथाइल अल्कोहल का आपको मोलर मास फाइंड करना है. तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है? डेट इज़ यू हैव टू राइट द मोलर मास C2H5OH. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल. तो कार्बन कितने हैं? 12 × 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1. तो ये आपका एथाइल अल्कोहल का जो मोलर मास आएगा डेट इज़ राउंड अबाउट योर एथाइल अल्कोहल मोलर मास इज 24 प्लस 5 प्लस 16. तो ये हो जाएगा 9 9 6. सॉरी, दिस इज 5. हाँ, तो ये हो जाएगा आपका राउंड अबाउट 40 and 46. ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन 2. सो दिस इज 46 आना चाहिए. लेट मी चेक दिस. 12 × 2 प्लस 5 प्लस 16. नाउ दिस इज 45. C2H5OH कार्बन 12 to 24 हाइड्रोजन 5. ओके, 1 प्लस दिस ऑल्सो. सो दिस इज यहाँ पर 45 आ रहा है. तो इट इज 46. सो दिस इज योर मोलर मास. ठीक है. तो अब गिवन मास आपका कितना है? जीरो. ये तो मोलैरिटी आपको यहाँ पे गिवन है. मोलैरिटी गिवन है डेट इज 0.5. मोलैरिटी इज गिवन. मास आपको यहाँ फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको मास गिवन नहीं है. तो ये क्या होगा? डब्ल्यू मोलर मास कितना है आपका? 46 ग्राम पर मोल. लाइक दिस. इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम अब आपको सीसी में दे रखा है. तो सीसी में जब डेसीमीटर क्यूब में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000. तो इट बिकम 0.1 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है. तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आपका 0.1 डेसीमीटर क्यूब. ये हो गया. अब यहाँ से आप W निकाल लेंगे. तो W क्या हो जाएगा? 46 ग्राम पर मोल इंटू 0.1 डेसीमीटर क्यूब इंटू 0.5. डैट इज़ योर अगेन मोलैरिटी है. तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम है. तो यहाँ पे हम मोलैरिटी को मोल्स
पर डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे सीसी में गिवन है, जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है डेट इज़ इन द सेंटीमीटर क्यूब। सो हम उसे डेसीमीटर क्यूब में चेंज करें तो मोलैरिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 46, तो ये आपका आ जाएगा टोटली राउंड अबाउट 2.3 grams। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया आपका मास। अब आपको गिवन क्या है, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ हमें मास निकालना है, डेंसिटी क्या है, 115 gram पर सीसी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारे यहाँ पे, जो हमें फाइंड करना है, सॉरी आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी आएगा। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना आ गया हमारा 2.3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, ये ग्राम्स में है, और ये है 1.15 gram पर सीसी, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2.3 को हम डिवाइड करेंगे 1.15, तो इट बिकम 2, और डेसिमल्स को जब हम रिप्लेस करेंगे, डेसिमल्स को जब हम, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 ऑफ सीसी आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपकी जो मोलर मास आया है वो किसमें आया था, इट इज 2 cc। फाइन, तो ये इस तरह से ये आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, फाइंड क्या करना है हमें, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हमारे पास उस सब्सटेंस का मास होना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो अब मास के लिए सबसे पहले हम मोलैरिटी का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारा मास निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है। मास फाइंड कर लिया, देन सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि डेंसिटी इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। एंड व्हेन यू अप्लाई दिस, दीज क्वेश्चन आर डायरेक्टली, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड कम्प्लीट द क्वेश्चन, देर इज़ नथिंग एल्स। फाइन, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉन मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या थी, मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये हमारा मोलैरिटी का क्या है, फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स में क्या, मोलैरिटी के लिए क्या था, डेट इज़ अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ हम सॉल्यूशन को लीटर्स में लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, वो भी बाय मास। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है कि हम यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास से फाइंड करें, तो क्योंकि वो भी क्या है, इसमें यूज़ होगा अगर हम मोल्स में देखें, क्योंकि यहाँ पे मोल्स क्या होगा, अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना ज़रूरी है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, दैट इज 12 × 6 + 12 + 16 × 6। फाइन, तो ये जो ग्लूकोज का आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, ये आ जाएगा आपका राउंड अबाउट 180 gram पर मोल। फाइन, अब उसके बाद आप क्या करोगे, मास आपका ये मोलर मास निकल गया, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 180, तो 36 डिवाइडेड बाय 180 सॉरी 36 डिवाइडेड बाय 180 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपके 0.2 moles। ठीक, तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स।
अब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे देखिए वॉल्यूम किस में दे रखा ग्राम्स में, ठीक। तो जब हम मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो है नहीं है तो मास इन केजी चाहिए, तो यहाँ ग्राम्स में दिया हो तो इस इक्वेशन को आप 1000 से क्या करोगे डिवाइड, तो इट बिकम एन एम इंटू दिस, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल रखे हैं डेट इज़ 0.2, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है डेट इज़ 250 इंटू 1000, 1000 इसलिए लिखा क्योंकि हम ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे केजीज में, ठीक। सो जब इसको कन्वर्ट करा तो ये आपका यहाँ से मैं डेसिमल हटाया ये कट गया लाइक दिस, तो ये आ जाएगा 20/25। अब आप इसको 5 के टेबल से काट दीजिए तो आ जाएगा 5, 4 एंड नाउ अगेन इट बिकम 0.8 मोल। सो दिस इज योर आंसर, फाइन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question, a concentrated aqueous solution of sulfuric acid is 98% by mass, यानी कि जो 98% by mass का मतलब 98 in जो volume given होगा उसमें 98 gram by mass क्या होगा sulfuric acid, density is again given to you, यहाँ पर भी हमें क्या find करना है volume, कितना volume चाहिए उसे 1 liter ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सिंपल आप सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम इसे करके देखते हैं ऐसे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एसिड, एसिड का कितना वॉल्यूम चाहिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 0.1 मोलर बने, ठीक। तो 0.1 मोलर बनाने के लिए अगेन डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है तो वॉल्यूम क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना गिवन है, अगर हम इस मास को फॉर द 100 ग्राम के लेके चले, इसके 100 ग्राम यानी कि हम जो टोटल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो पूरी बाय मास हम कंसंट्रेशन लेके चले हम कंसीडर करें, लेट द मास ऑफ जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना है 100 ग्राम, ठीक है, हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, फाइन। अब मास जो है आपका कितना आ जाएगा, हम इसे कंसीडर करें 100 और डेंसिटी कितनी है आपकी 1.80। तो जब हम मास अपॉन डेंसिटी का फाइन ग्राम से ग्राम कट जाएगा, अब यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1.80, तो ये हो जाएगा आपका 5555 मोल्स, ठीक। अब सॉरी मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को जब हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3, यहीं तक कंसीडर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1, 2, 3 दैट इज 5, 5, 5 और 0। अब ये कैसे आया, जब आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इट इज़ दिस, तो कितने जीरोज हो गए 4, तो आगे आपको पता ही है कैसे इसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम, यानी कि इतना वॉल्यूम हमें एसिड चाहिए ताकि हम सॉल्यूशन को क्या कर सके 1 लीटर तक कंप्लीट कर सके। अब ये तो हमारा वो वॉल्यूम निकला है जो हमें
सल्फ्यूरिक एसिड का बाय मास चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी क्या निकलेगी, मोलैरिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी क्या होगी, अगेन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास, गिवन मास कितना है आपका यहाँ पे 98 ग्राम्स बाय मास लिखा हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कंसिडर करेंगे, 98 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम कितना है, 0.0555 लीटर्स में है, तो इसलिए 1000 करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो 98 से 98 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये आपका कितना है लीटर्स में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट बिकम 18.02 मोलैरिटी, इतनी आपकी ये मोलैरिटी आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन को एक बार, अगर कंफ्यूज हो तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो बाई मास इतना परसेंट प्रेजेंट है और उसकी डेंसिटी इतनी गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दो वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम तो आपको यहाँ पे इसने पूछा है, ठीक, और दूसरा इसने यहाँ पे एक वॉल्यूम ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम टू हो गए। इट मीन समवेयर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन वाला कंसेप्ट है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है, फाइन। अब मोलैरिटी भी यहाँ को आपको एक गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अगर हम पूरे सोल्यूशन का मास 100 ग्राम एज्यूम करते हैं तो उसके बिहाफ पे हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हमने क्या करी, मोलैरिटी। तो ये हमारा हम कह सकते हैं V1 है और ये क्या है हमारा M1, ठीक। अब निकालना क्या है हमें, अब हमारे पास यानी कि दो मोलैरिटीज़ हैं और दो ही हमारे पास वॉल्यूम्स हैं, तो दो वॉल्यूम्स का मतलब कि एक हमें निकालना है और एक वॉल्यूम हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए लगाएं फॉर्मूला, डेट इज़ M1V1 = M2V2, ठीक है। वॉल्यूम अब M1 कितना है आपका जो निकला है, डेट इज़ दिस इज़ योर M1, 18.02, और V1 हमें निकालना है, दिस इज नॉट योर V1, ये V1 हमें निकालना है। दूसरी मोलैरिटी है हमें 0.1 into 1 liter, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, V1 0.1 into 1 divided by 18.02, तो ये आ जाएगा आपका, अगेन जब डेसिमल्स को आप प्लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, डेट इज़ 0.0055 liters। अब सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वे इतने ग्राम डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू इतने मिलीलीटर इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इट इज़ अ सिंपल, अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में मोलैरिटी पूछी है और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। यहाँ पे आपको मोलैरिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है,
अगेन वॉल्यूम आपको किसमें यहाँ पे गिवन है, मिलीलीटर्स में, जिसे आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे. नंबर ऑफ मोल्स सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड फाइंड द आंसर. इसमें भी आपको क्या है, मास गिवन है, इसमें आपको वॉल्यूम गिवन है, तो इसमें आपने सिंपल अगेन मोलैरिटी का ही फॉर्मूला यूज़ करना है. तो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब यहाँ पे NaOH है, NaOH का गिवन मास कितना है, 0.38. यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, सो डोंट बी कन्फ्यूज फॉर दैट. तो ओवर मोलर मास, वॉल्यूम आपको किसमें गिवन है, मिलीलीटर्स में, तो हम 50.0 मिलीलीटर है. इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे लाइक दिस. ठीक, जब आप इसके डेसिमल्स हटाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मैंने यहाँ से डेसिमल्स को हटा दिया. ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन, 2 1 2 1 2, जीरो तो सारे ही कट गए इसमें. अब बचा क्या, 38/200. तो जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आपका राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा आपका 0.19. अब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम है, तो इसलिए हम इसको मोल्स पर लीटर, क्योंकि वैसे भी मोलैरिटी का जो यूनिट होता है डैट इज़ मोल्स पर लीटर. तो आप इसको चाहे ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे लिख लो, इट डजंट मैटर. फाइन, ये तो हो गया आपका, क्या निकला, हमारी मोलैरिटी निकली. अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया. ठीक है, दिस इज योर ए पार्ट एंड देन योर बी पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स. अगेन यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी. तो हम एन को पहले नंबर ऑफ मोल्स हमसे फाइंड करने हैं, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के बिहाफ पे, सॉरी ये तो गिवन ही है, तो इसे यहाँ क्यों लाना, पहले इसको ऐसे ही फिट कर लेते हैं, 0.15 मोलैरिटी. ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर्स में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं एन, तो जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, 0.15 इंटू 27 और इसको हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 1000. तो 1000 डिवाइड क्या करना है, आप इसी को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, जब ये ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इसमें क्या कर रहे हैं, मिलीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सिंपली 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 0.027. अब आप सीधा 0.15 को मल्टीप्लाई करोगे 0.027 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.05 × 10⁻³ मोल्स. क्योंकि फाइंड क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट. फाइन, सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन अवर चैप्टर इज कंप्लीट. सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर योर असाइनमेंट, सो यू हैव टू कंप्लीट इट, देन आई सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट असाइनमेंट. So, sign.